और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ टुडे लाइव। आज डॉल्फिन पब्लिक स्कूल कोठिया बीएमपी 6 रोड मुजफ्फरपुर में बाल दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने तरह तरह के डांस, गीत, ड्रामा की प्रस्तुति दी। वहीं हमारे संवाददाता ने फील्ड में देखा बच्चों के साथ स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाएं भी खेलते हुए नजर आए। वहीं स्कूल की प्राचार्य ने बताया कि आज का कार्यक्रम केवल बच्चों के लिए है। आज बच्चों को हर तरह की छूट दी गई है। बच्चे ड्रेस में आए या अपने मनपसंद परिधान में आए, जिस तरह का ड्रामा गीत उन्हें प्रस्तुत करना है कर सकते हैं, जिस तरह के खेल में भाग लेना है वह भाग ले सकते हैं। प्राचार्य ने बताया कि आज का पूरा दिन बच्चों को समर्पित है। देखिए ये खास रिपोर्ट हमारे मुजफ्फरपुर संवाददाता पायल कुमारी का। कुछ हुआ डॉल्फिन पब्लिक स्कूल में? आज डॉल्फिन पब्लिक स्कूल में बच्चों के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें रंगारंग प्रोग्राम था। टीचर्स ने इंडिविजुअल, हर क्लास टीचर ने अपने अपने क्लास के लिए केक मंगवाया गया था। केक कटिंग हुआ है, बच्चों ने केक काटा है, टीचर्स ने भी मिलकर उनके साथ मनोरंजित किया है। सेकेंडरी उन्होंने एक गेम सॉन्ग, मतलब टोटल चीज़ें बच्चों को फ्रीडम दी गई थी कि आज आप अपने मन से जो खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, जो उनका पसंदीदा चीज़ है, उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया गया था। हर क्लास में अलग अलग टीचर्स ने अरेंज किया था केक? जी बिल्कुल, हर क्लास में क्लास टीचर ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और क्लास टीचर ने खुद उस चीज़ को प्लान करके और बच्चों को सरप्राइज दिया था कि आप आइए और बच्चों के साथ मिलकर उन्होंने केक कटिंग की। और बच्चे आज फ्री थे, ड्रेस में आए नहीं आए कोई मतलब नहीं है? नहीं, आज बच्चे फ्री थे, बच्चे अपने पसंद से अपने चूज करके अपने ड्रेसिंग को करके लाए थे, अपने पसंद का अटायर पहन के आए थे जो कि उन्हें खूब पसंद था। बच्चों को आप लोग मना करते हैं चॉकलेट नहीं देने के लिए और आज लोग आज चॉकलेट भी खिलाए बच्चों को? जी बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को हम ऑब्वियसली जैसे रूटीन बना हुआ है, लेकिन आज बच्चों का दिन था इसलिए बच्चों को हमने फ्री किया कि आप चॉकलेट्स खा सकते हैं, कुरकुरे खा सकते हैं, चिप्स खा सकते हैं, मैगी पास्ता भी खा सकते हैं। तो मैंने आज उन लोगों को कम्प्लीटली फ्री किया था। आज के दिन बच्चों ने क्या कुछ नया किया है प्रोग्राम में? नए में बच्चों ने ये किया है कि उन्होंने कुछ अपने मन से मतलब गानों को प्रिपेयर किया था, कुछ गेम्स को अपने मन से उन लोगों ने प्रिपेयर किया था और गेम्स को प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने चाहा कि हम टीचर्स को भी इन्वॉल्व करें, इसमें उन्होंने टीचर्स को भी इन्वॉल्व। हमने आते हुए देखा कि एक लेडी टीचर थी, बच्चों के साथ खेल रही थी, दौड़ रही थी। बिल्कुल, तो आज बच्चों के, मैंने आपको बताया ना, बच्चों ने गेम, बच्चों को मतलब गेम खेलना पसंद है, तो टीचर्स ने बोला कि आज गेम भी आप चूज करके लाओ, हम आपके साथ खेलेंगे। बाकायदा म्यूजिकल चेयर का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, वो ऑर्गेनाइज किया गया, बच्चों ने वो भी खेला है, क्रिकेट खेला है टीचर्स ने साथ में मिलके, खो खो खेला है, कबड्डी खेला है, मतलब बच्चों के साथ टीचर ने भी इक्वली पार्टिसिपेट करके उनके साथ टाइम स्पेंड किया। ये बहुत अच्छा रहा, टीचर और बच्चों के बीच की दूरी कमेगी। जी बिल्कुल, बच्चे खुल के प्रश्न कर पाएंगे, आगे एकेडमिक साइड भी उनका स्ट्रांग होगा। बिल्कुल सर, कोशिश तो यही की गई है। अपना परिचय देंगे? मैं डॉल्फिन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, मेरा नाम रीता वर्मा हुआ। सिटी न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर।